देखिए ये राधाराज जी हैं और ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे अगर कोई है तो इस समय राधाराज ही छाई हुई हैं, ना कि हर तकदीर से पहले खुदा राधा से पूछे तुम्हारी रजा क्या है। हम इस समय बीकापुर आई हुई हैं और ये बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है, हम इन्हीं से इनका हम परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं राधाराज, मेरे यूट्यूब चैनल का राधाराज गोरखपुर, राधाराज के नाम से सर्च करेंगे तो तमाम आइडिया जो भी है मेरी आ जाएंगी। फिलहाल आप लोग का दुआ आशीर्वाद है और आप जैसे पिता बराबर बुजुर्ग इंसान अगर आशीर्वाद दें तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, और ऐसे ही बस यही उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए ताकि हम और आगे जाएं। ये हम ये यहाँ पे आ पाए हैं, ये क्या प्यार था? ये प्यार ये था कि उनका रिश्ता नहीं है लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, छोटी बहन बोलती थी, हम इनको दीदी बोलते थे, तो फर्ज था हमारा। भाई खून का रिश्ता तो नहीं है लेकिन वही कहते हैं ना, अगर हाथ काटा जाए तो खून एक ही निकलेगा। देखिए ये राधाराज जी हैं और ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे अगर कोई है तो इस समय राधाराज ही छाई हुई हैं, साथ में चंदा भाभी भी छाई हुई हैं। हम एक मिनट आपको रोकना चाहते हैं और भाभी जी से हम दो लाइन गुनगुनाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दो लाइन कोई भी गीत दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से। एक विवाह गीत है छोटी सी, उसी को मैं गा दूंगी। अरे लगाए घड़िया गलिया घूमे न देव, लगाए घड़िया गलिया घूमे न देव, हमारे ससुर जी के बाग बगीचा, 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 बहुत बड़ा रहा बगीचा। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा लोगों के बीच में दिक्कत हो रहा है, देखिए पति और पत्नी का, देखिए दोनों लोगों का प्रेम इस तरह से है कि पत्नी अगर गा रही है तो पति तुरंत मैं इनके लिए गाना गाई हूँ। चलिए, जो कि राधा राज से शूट करवाना हमको, वो एक लाइन में अपने गाना सुना सकती हूँ। भूख के मारे लगता जान चल जाए, भूख के मारे लगता जान चल जाए, जहर खिया के देखिए ये गीत लॉन्च होने वाला है और राधा राज के द्वारा ये लॉन्च होगा। ये देखिए कुछ भैया जी कह रहे हैं, बहुत सारा गाना है और चलिए दो लाइन बहुत प्यारा सा लोग बैठे हैं तो बोर हो जाएंगे। ये देखिए भैया जी, भैया आप दो लाइन सामने कजरी गाया गया है, हमारे पिताजी लिखे हैं। आई गईले धान के रोपनिया, आई गईले धान के रोपनिया, पिया पलटनिया से आजा, आई गईले धान के रोपनिया, पिया पलटनिया से आजा, तनिया से आजा पलटनिया से आजा, तनिया से आजा पलटनिया से आजा, होई गईले जिया के सरनिया, पिया पल तनिया से आजा। और राधाराज से हम एक चीज, ये लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि अभी आप लोग देखिए बाहर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो सभी बहन बेटी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर में सेफ रहिए। अगर जिनके माँ बाप जो भी डिसीजन लेते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए लेते हैं, लेकिन इतने कुछ देखने के बाद भी इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं और उनको छुपाने की भी बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उनसे भी हमने एक गाना किया जो कि 2 मिलियन पहुँचने वाला है। सिद्धार्थ क्या है, गौतम सिद्धार्थ ऑफिशियल चैनल पे, जिसमें मैंने अभी बताया कि मेरा पर्सनली उस पर अभी चल रहा है जो भी है, अभी बेटी पे है गाना, इतना प्यारा गाना है, अगर अभी भी जिसने नहीं देखा तो आप लोग जाइए देखिए। उससे एक हमने सीख दी है कि बहन बेटी को किस तरीके से एक रखा, और उसका पार्ट 2 भी आज मतलब हमने शूट किया है लेकिन अभी रिलीज नहीं किया है, वो उसी पे आएगा। सिद्धार्थ
गौतम सिद्धार्थ ऑफिशियल में ही आएगा। पार्ट टू है जो कि लड़की कैसे अपने मुसीबतों से सामना करती है, अगर उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो कैसे अपने आप को बचाती है, कैसे सबसे मतलब सब मुसीबतों का सामना करके वो कैसे अपने आप को फेस टू फेस लाती है, कैसे वो मतलब बहुत कुछ है उसमें, तो वो भी उस पर आएगा। तो बाकी का आप लोग देखिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, उम्मीद पूरा है, शूटिंग बहुत मेहनत से किए हैं। और आप ये जो दरिंदे हैं इनके बारे में इनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए हम तो उनको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश किए हैं, जो कि पहले वीडियो में भी किए हैं, जो 2 मिलियन चला गया है। उम्मीद नहीं थी उससे, हमें खुशी नहीं है कि 2 मिलियन गाना गया है, उससे हमें कोई खुशी नहीं है 2 मिलियन, लेकिन हमें उससे ये खुशी कि उसमें जितने लोगों ने कमेंट किया ना, कि आप लोग की जो सोच है एक गाने के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया, इससे परिवार वाले समझे अपनी बेटियों को कुछ और अच्छे अच्छे तरीके से कुछ आगे बढ़ाएं। मतलब एक माँ बाप है ना, बच्चे का ढाल बन के रहे, कि बच्चे को कुछ भी हो तो ऐसे हाथ से थाम ले, हर जगह लड़ाई करने का सामना सिखाए बच्चियों को, बस यही चीज़ है। और इसका भी हमने दूसरा शूट कर आपको बताया मैंने। चलिए ये थी राधा राज जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोरखपुर से चल करके और बीकापुर में एक छोटे से गांव में आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।